हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी अपडेट्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो BA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जिनका भी सब्जेक्ट है सोशोलॉजी और बुक का कोड है आपका BASO101, तो दोस्तों उनके लिए लेके आ रखा हूँ उनका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2022 का। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, ये आपको सॉल्व किए जा रहे हैं हमारे चैनल पे। अगर आपने अभी तक जो है वीडियोस नहीं देखी हुई है, तो अभी तक जो है हमारे चैनल पे जो आपका BASO101 जो आपका सब्जेक्ट है, इसके जो है अभी तक जो है सेक्शन ए और सेक्शन बी के आपके कुछ क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराए गए हैं सॉल्व करा के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कैसे आपको वो वीडियो देखनी है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको जो हमारा नीचे YouTube चैनल का नाम दिख रहा है, उसको ओपन करना है क्लिक करके। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको सेकेंड नंबर में यहाँ पे दिख रहा है BA फर्स्ट ईयर सोशोलॉजी सॉल्व क्वेश्चन पेपर। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आप जो है सारी वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पे अभी तक जो है 7 क्वेश्चन जो आपके सॉल्व करा दिए गए, जो आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं हर साल। और जो है अगर आपने इंग्लिश सब्जेक्ट भी लिया हुआ है, तो यहाँ पे इंग्लिश की जो आपके लेसन्स हैं वो भी आपको पढ़ाए जा रहे हैं, आपको कवर किए जा रहे हैं, ताकि आप अच्छे नंबरों से पास हो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो है इसी का जो आपका सेक्शन बी का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसकी भी बात करने वाले हैं, उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, उसको देखते हैं। और इससे पहले दोस्तों, जो आपके सेक्शन ए हैं, इसमें 5 क्वेश्चन थे, ये सॉल्व करा दिए गए हैं आपको। अगर वीडियो नहीं देखी हुई है तो कैसे देखनी है आगे वीडियो में बता दूंगा आपको, और इससे पहले भी बता चुका हूँ कि प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसके बाद जो सेक्शन बी है, इसमें जो आपका जो क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड है, ये अभी तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में जो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया क्या है, इसकी ये क्वेश्चन है जो इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं अभी, सामाजिक प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों, जो था आपका क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया क्या है, तो उसका जो आंसर है, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होगी सामाजिक प्रक्रिया की परिभाषा। जैसे ही आप ये हेडिंग डालते हैं तो उसके बाद आपको इसमें लिखना है, सामाजिक प्रक्रिया को और भी स्पष्ट करने के लिए कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषाओं का उल्लेख कर सकते हैं। तो जैसे दोस्तों, जो सामाजिक प्रक्रिया की जो परिभाषा दी है, वो जो अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने अपने अनुसार जो है इसकी परिभाषा दी हुई है, तो उन्हीं की जो परिभाषाएं हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस विद्वान ने जो है किस प्रकार जो है सामाजिक प्रक्रिया की परिभाषा दी है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे जो हैं ब्रिंसिच। तो जो ब्रिंसिच के अनुसार अंतःक्रिया के विभिन्न रूपों को ही सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। तो जो ब्रिंसिच हैं वो कहते हैं कि जो अंतः जो क्रिया है, उसके जो विभिन्न रूप होते हैं, उसको ही हम जो है सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। तो उसके बाद जो वॉन वीज हैं वो कहते हैं कि सामाजिक प्रक्रिया किसी भी सामाजिक संबंध का परिवर्तनशील पहलू है। तो वॉन वीज के अनुसार जो सामाजिक प्रक्रिया है, वो किसी भी जो सामाजिक संबंध है उसका जो है परिवर्तनशील पहलू है। उसके बाद जो गिलिन है, गिलिन कहते हैं कि सामाजिक प्रक्रियाओं से हमारा आशय अंत क्रिया करने के उन तरीकों से है जिनको कि हम जब व्यक्ति और समूह मिलते और संबंध की व्यवस्था स्थापित करते हैं। तो गिलिन कहते हैं कि जो सामाजिक प्रक्रिया से हमारा आशय अंतः क्रिया करने के उन तरीकों से है जिनको कि हम व्यक्ति और समूह मिलते हैं, जब व्यक्ति और समूह मिलते हैं और संबंध की व्यवस्था स्थापित करते हैं। उसके बाद जो मैकाइवर हैं, उनके अनुसार जो उन्होंने कहा है, वो कहते हैं कि एक प्रक्रिया का अर्थ है निरंतर परिवर्तन जो किसी विशेष परिस्थिति में पहले से ही विद्यमान शक्तियों की क्रियाशीलता के माध्यम से होता है। तो मैकाइवर का कहना ये था। उसके बाद जो सामाजिक प्रक्रियाएं की जो विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले उसके बाद आपको हेडिंग डालनी होगी सामाजिक प्रक्रिया की विशेषताएँ। तो इसमें आपको जो फर्स्ट विशेषता है वो है, एक निश्चित रूप से पूरे समाज में बदलाव
लाता है। तो जो सामाजिक प्रक्रिया है वो एक निश्चित रूप से पूरे समाज में जो है बदलाव लाता है। उसके बाद सेकेंड है, इसमें सामाजिक प्रक्रियाओं की एक निश्चित क्रम वृद्ध श्रेणियाँ हैं। तो सामाजिक प्रक्रिया की जो निश्चित एक क्रमबद्ध जो श्रेणियाँ हैं। उसके बाद इसी में थर्ड है आपका, यह घटनाओं का क्रम है जो बना रहता है और एक विशिष्ट परिणाम की ओर ले जाता है। तो ये जो सामाजिक प्रक्रिया है वो एक घटनाओं का क्रम है जो बना रहता है और एक विशिष्ट परिणाम की ओर लेके जाता है। उसके बाद इसी में फोर है, सामाजिक प्रक्रियाएं समाज के विभिन्न संस्थानों की संरचनाओं और कार्यों पर निर्भर करता है। तो जो सामाजिक प्रक्रिया है वो जो समाज की जो विभिन्न संस्थानों और संरचनाओं और कार्यों पर निर्भर करता है। उसके बाद इसी में है आपका नेक्स्ट, सामाजिक प्रक्रिया में घटनाओं का बार बार होना ही काफ़ी नहीं है, उन्हें जारी रखने की भी आवश्यकता होती है। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट है, लास्ट जो विशेषता है वो है, सामाजिक प्रक्रिया पारस्परिक मानवीय अंतः क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है जो एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इससे पहले जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं, सेक्शन ए के 5 क्वेश्चन और सेक्शन बी के आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है उनकी वीडियो अपलोड कर दी गई है पहले ही, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई है तो आपको जाना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है देख सकते हैं, वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, क्लिक करके जो है आप स्टार्टिंग से सारे जो क्वेश्चन सॉल्व किए गए वो देख सकते हैं और आपके एग्ज़ाम में जो है अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। और दोस्तों, नीचे मैंने जो है कमेंट बॉक्स में जो है ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो क्योंकि वहाँ पर जो है दोस्तों ग्रुप में आपको वीडियोस मिलती हैं, आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ज़रूर वहाँ पर जुड़िएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी मैं आपके लिए उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वीडियो लेके आऊँ आगे, तो उस टाइम जो है आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह